मित्रों, आज पश्चिम बंगाल की एक तेज तरार युवा नेता मित्र सौमित्र खान, जो पहले बंगाल में एमएलए भी रहे हैं और बिष्णुपुर बांकुड़ा जिला के सांसद भी रहे हैं, विधायक थे, अभी सांसद हैं, उन्होंने देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने इच्छा जताई थी भारतीय जनता पार्टी में योगदान करने के लिए। आज बंगाल की सारे प्रमुख नेता मुकुल दा, राहुल दा, प्रताप दा, इन्हीं सभी के साथ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आज मिले थे। उनको आज औपचारिक रूप में अभी हम भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी उनको मेंबर बनाए। मैं आज उनको दल में स्वागत करता हूँ। माननीय सांसद श्री खान की इस समय में उपस्थिति बंगाल की बदलते हुए राजनीति की एक सूचक है। इस बार मित्रों, पूर्वी भारत में पिछले 2014 चुनाव की पहले से ही प्रधानमंत्री जी एक विषय देश के सामने अभियान के दौरान कहते थे। बाद में पिछले दिनों में जो जिम्मेवारी हम लोगों के पास केंद्र सरकार की रही, सरकार में रहते हुए भी उसको प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री जी के एक स्पष्ट मत था, जब तक पूर्वी भारत की एक बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होती है, तब देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हुआ, एक सामग्रिक विकास हुआ, ऐसा कहना संभव नहीं होगा। अभी मैं मानता हूं वो पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, सिक्किम हो, वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा जैसे राज्य हो, इस इलाका में भारतीय जनता पार्टी, शायद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की फेज को अगर हम जोड़ के भी माने, हम अपने विश्वसनीयता और लोकप्रियता की एक शीर्ष स्थान पे हम अभी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी को उस इलाका में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, विकास इन्हीं के नेतृत्व में होगा। 14th फाइनेंस कमीशन की निर्णय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट हो, कल कारखाना लगाने के लिए बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की एलोकेशन की बात हो, सौभाग्य योजना की एलोकेशन की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान में किन इलाका को ज़्यादा पैसा जाता है तो इन्हीं इलाका को जाती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रमुख लाभार्थी इलाका कोई है तो यही बेल्ट है, ये सारे के कारण आज एक पार्टी की नई आस्था की वातावरण बनी है पार्टी के ऊपर। इसी में विश्वास रखते हुए युवा साथी सौमित्र आज पार्टी में ज्वाइन किए, मैं उनको पार्टी में स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में हम सब मिलके, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार जिम्मेवारी उन्होंने लिया, हम सबके सामने उन्होंने एक टारगेट भी दिया था, टास्क भी दिया था, इस बार 19 की जो चुनाव के उपरांत मोदी सरकार के एक मजबूत पिलर पूर्वी भारत से होगी, तो ये सारे उसकी एक छोटी छोटी सी कड़ी है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।